Meanwhile, the AAP chief, Arvind Kejriwal, who's currently in poll-bound Gujarat's Mehsana region, took pot shots at the ruling BJP. He waked the arrests of AAP leaders and the quizzing of Manish Sisodia and promised, in fact, to form a zero-corruption government in the state of Gujarat. Remember, in fact, after Delhi and Punjab, now the Aam Aadmi Party is trying its level best to make inroads in BJP bastion, that is the state of Gujarat. On this note, let's cut across to Amit Rajput, who's reporting live from Ahmedabad. Amit Rajput, what more can you tell us in terms of the big takeaways from Kejriwal's latest address to the people of Gujarat? He's raking up the interrogation of Manish Sisodia. He's also raking up the arrest and the quote-unquote alleged hounding and harassment of the AAP leaders by the BJP. What more are you picking up? देखिए बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आज उत्तर गुजरात का जो मेहसाना जिला है और उसके ऊंझा में वो वहां पर आज अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्हें उस सभा के अंदर सीधा जो हमला किया वो गुजरात की बीजेपी सरकार पर किया और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है 27 साल में बीजेपी की तरफ से कोई काम जो है वो गुजरात में नहीं किया गया। भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं उन्होंने भी यही बातें की और दूसरी बात जो उनकी तरफ से कही गई कि मनीष सिसोदिया के लिए उन्होंने एक स्लोगन कहा कि जेल के ताले टूटेंगे मनीष सिसोदिया छूटेंगे। तो मनीष सिसोदिया के लिए उन्होंने ट्वीट भी किया था और उसके बाद में अपनी जनसभा में मनीष सिसोदिया के लिए ये भी कहा और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि गुजरात के अंदर अगर उनकी सरकार बनती है तो गुजरात के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको वो सुनेंगे, फिर चाहे वो मेडिकल क्षेत्र की बात हो या इसके अलावा एजुकेशन की बात हो या इसके अलावा महिला सुरक्षा की बात हो, तो वो सारे मुद्दों पे वो काम करने के लिए तैयार हैं और उनकी तरफ से दावा किया गया है कि इस बार गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। चुनाव अभी गुजरात में डिक्लेयर नहीं हुए हैं लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपना प्रचार जो है वो लगातार एक तूफानी दौरा जो है वो गुजरात का करते जा रहे हैं और गुजरात के हर इलाकों में ये दूसरी बार ऐसा होगा कि जहां पर पहले केजरीवाल और भगवंत मान पहुंच चुके थे वहां दूसरी बार ये अपना दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और लोगों को एकजुट करने की, आम आदमी की तरफ झुकाव लाने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना था कि गुजरात के अंदर इतने सारे आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को सरकार की तरफ से दबाया गया और जो दावा उनकी तरफ से बार बार किया जा रहा है कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद में गुजरात में पंजाब की तरह और दिल्ली की तरह और विशेष तौर से वो दिल्ली मॉडल को बार बार लाते हैं, तो देखना यह है कि ये अरविंद केजरीवाल का जो तूफानी दौरा है जब गुजरात में चुनाव डिक्लेयर होंगे तो क्या ये बातें जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही हैं, जो मुफ्त की घोषणाएं की जा रही हैं, वो कितना उनको वोट में कन्वर्ट कर सकती है वो तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल अमित, थैंक यू सो मच फॉर ट्रैकिंग ऑल दोस ग्राउंड डिटेल्स फॉर अस।